हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे मिसिंग नंबर के प्रश्न, नंबर एनालॉजी जो चैप्टर है आपका उसके प्रश्न देखेंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 253 का रिलेशन आपको बनाना है 11 से। जिस तरीके से 253 का रिलेशन 11 से बनेगा, उसी तरीके से 264 का रिलेशन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से बनेगा। तो देखिए, 253 से आप 41 कैसे बना सकते हैं, क्या लॉजिक है? अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो लॉजिक को लगा करके आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं आपसे हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर देख लेना, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर किया करें जब आपके सामने प्रश्न आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले क्या करूँ, 2 का और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। 2 का और 5 का मैं आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, आपस में मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो आपस में जब मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5 × 10। मैंने यहाँ पे लिख दूँगा 10, पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके, ठीक। फिर बाद वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँगा। देखिए 2 का 5 से हो गया, अब 5 का 3 से कर लेते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 3 कितना, आप बोलेंगे सर 15। भाई पहली दूसरी का मल्टीप्लाई भी हो गया, दूसरी तीसरी का भी हो गया, लेकिन पहली संख्या और तीसरी का मल्टीप्लाई अभी नहीं हुआ तो इनका भी कर लीजिए। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इनको क्या करिए, आप जोड़िए। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब सभी को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 15, 25। 25 में 6 जोड़ेंगे 31। अब ये तो 31 हुआ है, लेकिन आपको 41 चाहिए, तो आप 41 में क्या करेंगे, बनाने के लिए 10 जोड़ देंगे। 31 में 10 जोड़ेंगे तो ये 41 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़िए, पहली दूसरी का मल्टीप्लाई 3 × 18, दूसरी तीसरी का 6 × 24, पहली तीसरी का 3 × 12। सभी को मैं यहाँ पर जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 12 जोड़ूंगा तो 18 × 12 = 30, 30 में 24 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 54, ठीक है 54। अब देखिए यहाँ 10 जोड़ा था, मैं यहाँ भी 10 जोड़ूंगा तो 64 हो जाएगा, लेकिन 64 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन यहाँ पर 10 जोड़ा था, हमने क्यों जोड़ा था, देखिए एक बार तो सभी संख्याओं का हमने मल्टीप्लाई किया। अब एक बार मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 2 और 5 = 7, 7 और 3 = 10, तो दोनों का योग करके यहाँ पर जोड़ा गया है, तो यहाँ पर भी तीनों का योग करके जोड़ेंगे, 6 × 4 = 10, 3 = 13, तो यहाँ पर जो जोड़ेंगे हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, ठीक है। 4 और 3 = 7 हो जाएगा, 5 और 1 = 6 हो जाएगा, आंसर 67 हो जाएगा डी ऑप्शन में। आई बात दोस्तों सभी की समझ में, पहले ही बोला था अगर वीडियो को अंत तक देखोगे तो ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। इन प्रश्नों में क्या लॉजिक है, सबकी समझ में आ रहा होगा, अच्छे लग रहे हैं प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 532 का रिलेशन 41 से है तो 445 का रिलेशन क्या बनेगा। मैंने दोस्तों अभी अभी आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न कराया था, क्या कराया था, पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 5 × 3 = 15, फिर 2 बाद वालियों का 3 × 2 = 6, फिर पहली का लास्ट का मल्टीप्लाई 5 × 10, बिल्कुल यही प्रश्न मैंने अभी अभी आपको कराया। सबको जोड़ूंगा, 15, 10, 25, 6 कितना हो जाएगा, 31। 31 आने के बाद सभी का योग करके लिखा गया, 5 और 3 = 8 और 2 = 10, 10 में इसमें जोड़ दूंगा तो 41। वही यहाँ पर कीजिए, पहले दो संख्याओं में भाई 4 × 4 = 16, फिर 4 × 5 = 4 × 5 = 20, फिर 4 × 5 = 4 × 5 = 20, 20 और 20 = 40, और ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56। यहाँ सभी का योग करके जोड़ा तो यहाँ भी सभी का योग करके जोड़ देंगे, 4 और 4 = 8, 5 = 13, 13 जोड़ देंगे, 6 और 3 = 9, 5 और 1 = 6, 69 आ गया आंसर, डी ऑप्शन में दे रखा है आपके प्रश्न का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। सबकी समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बहुत लाजवाब प्रश्न दिया गया है। देखिए आर ए ओ का रिलेशन 21 से है, आर ए ओ का रिलेशन, तो मैं क्या करूँगा, आर से अगर एक कम करके लिखूँ तो क्या आता है दोस्तों, क्यू। ए से एक कम करूँगा तो एक कम करूँगा तो वापस कहाँ पहुँच जाऊँगा, जेड पे। ओ से एक कम करूँगा तो ओ से एक कम करने पर क्या आता है, एन, ठीक है। अब मैं इस क्यू की बात करूँ, ये कितने नंबर पे आता है, आप बोलेंगे 17 पे। जेड कितने पर आता है, 26 पे, और एन कितने पर आता है दोस्तों, 14 पे आता है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, 21 चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए 21। अब देखिए मैं क्या करूँ, इन सभी को आपस में जोड़ दूँगा, जब मैं इन सभी को आपस में जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 7 को आपस में जोड़ूँगा 8, 2 और 6 को जोड़ूँगा 8, 1 और 4 को जोड़ूंगा 5। अब इन सभी को अगर मैं जोड़ूं, 8 और 8 = 16, 16 में 5 जोड़ूंगा, मुझे कितना मिलेगा, 21 ही तो मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। वही यहाँ पर कीजिए कि मैं इससे भी एक कम करके लिखूं तो सी आएगा,
ई से एक कम करके लिखूँ डी आएगा, और यहाँ पर वी है, ठीक है, वी से अगर मैं एक कम करके लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए सी कितने पर आता है, आप बोलेंगे सी आता है 3 पर, डी कितने पर आता है 4 पर, यू कितने पर आता है, आप बोलेंगे 21 पर। सबको जोड़ लो, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये 3 ही रहेगा, इसको जोड़ूंगा ये 4 ही रहेगा, इसको जोड़ूंगा 2 और 1 3 हो जाएगा। अब जोड़ूँ सबको, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा, 10 दे रखा आपके बी ऑप्शन में। यहाँ दो डिजिट थी तो हमने सबको सिंगल में तोड़ा, लेकिन यहाँ पर पहले से ही सिंगल है तो इस पर सिंगल ही रहने देंगे, यहाँ पर डबल है तो इसे भी सिंगल बना के हमने जोड़ा, 10 आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। किस किस को प्रश्न अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 281 का रिलेशन दिया गया है 35 से, तो 512 का रिलेशन दोस्तों किससे दिया गया है, ठीक है, 512 का रिलेशन आप किससे बनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं हाई लेवल के। देखिए 281, अब मैं क्या करूं, अगर मैं 281 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों का मल्टीप्लाई, 2 का 8 का 1 का, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 × 8 × 1, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 16 हो जाएगा, लेकिन हमको तो 35 चाहिए, ये 16 आया है, ठीक है। अब देखिए समझ लीजिए क्या हो रहा है प्रश्न में, प्रश्न में हो क्या रहा है उसे ध्यान से देखिए। पहले तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 16 आ गया। अब ये पहले की दो संख्या है इनको लीजिए तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10। फिर बाद वाली दोनों संख्या को लीजिए 8 और 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9 हो जाएगा, और दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 = 15 कैरी का 1, 1 और 1 = 2 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 3। 35 हो गया जो कि यहाँ दे रखा है। आई दोस्तों बात, पहले दोनों पहले की दो संख्याओं को जोड़ा, बाद की दो संख्याओं को जोड़ा और फिर यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए वही यहाँ पर होगा, पहले तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तीनों को लिख लेता हूँ 5 × 1 × 2 कितना आएगा, 5 × 6 = 5, 5 × 2 = 10 आएगा। फिर क्या करना है, पहले की दो संख्याओं को जोड़िए, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। फिर क्या करेंगे, बाद की दोनों को जोड़िए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए तो 10 में मैं 9 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 19। सी ऑप्शन का सही आंसर। अब आप खुद बता दीजिए कि प्रश्न मैं आपके लिए कैसे करा रहा हूँ, इससे भी और अगर मैं हाई लेवल के कराऊंगा तो वो फिर आपसे सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है दोस्तों। तो आप उस लेवल के हिसाब से सीखिए, क्या पहले जो बेसिक जानकारी होती है थोड़े लो क्वालिटी के, और फिर मैं उसके बाद हाई क्वालिटी के, दोनों ही मिक्स कराता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि सर एक साथ हाई क्वालिटी करा दीजिए, तो एक साथ हाई क्वालिटी में क्या हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपके लिए क्या कराता हूँ, दोनों ही टाइप के मिक्स कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा ईजी भी रहेगा, थोड़ा हार्ड भी रहेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहेगा, उस तरीके के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 512 का रिलेशन 9 से है तो 432 का रिलेशन क्या। अच्छा प्रश्न है, खुद से करके एक बार देखिए, अगर नहीं आंसर आ रहा कोई बात नहीं, फिर हमारा आंसर देख लीजिए। 512 बहुत बड़ी संख्या है, रिलेशन बहुत छोटी सी है, 432 बड़ी संख्या है तो रिलेशन भी छोटी से बनेगा, ऑप्शन में भी छोटी संख्या। देखिए क्या हो रहा है, अगर आप पहली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली से कर दें, 5 का 2 से करेंगे, 5 × 2 = कितना हो जाएगा, 10। बीच वाली संख्या जो बची है इस 10 में से उसे घटा दीजिए, 9 आ जाएगा। यहाँ भी वही कीजिए, पहली वाली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली से कर दीजिए, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। बीच वाली जो बची है इसे घटा दीजिए, 8 में से 3 जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 कहाँ पर है, आप बोलेंगे बी ऑप्शन में, सही हो कर दीजिए। सही कर दिया दोस्तों, आपकी बात मान ली, आपने बोला बी को सही कर दो, कर दिया। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, देखिए AKT का रिलेशन 19 से है तो PTR का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक ए का अपोजिट लिखूँ, मतलब ए से एक कम लिखूँगा, तो ए से एक कम लिखूँगा तो वापस जेड पे पहुँच जाएंगे, जेड कितने पर आता है, 26 पे। अब मैं क्या करूँगा, के से एक कम लिखूँगा, के 11 पे आता है, एक कम लिखूँगा मतलब 10 लिखूँगा। टी आपका 20 पे आता है, 20 से एक कम लिखूँगा मतलब 19 लिखूँगा, ठीक है, सबको लिख लिया। अब मुझे क्या करना, सबको जोड़ लेना है, 2 और 6 = 8, 1 और 0 = 1, 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10। 8 और 1 = 9, 9 में 10 जोड़ेंगे, 19 आ गया, ठीक है। वही यहाँ पर कीजिए, पी दोस्तों 16 पर आता है, 16 से एक कम करके लिखेंगे तो 15। टी आपका 20 पर आता है, 20 से एक कम करके लिखेंगे 19। आर आपका 18 पर आता है, 18 से एक कम करके लिखेंगे 17। जोड़िए 5 और 1 = 6, 1 और 9 = 10, 1 और 7 = 8, 10 + 8 = 18, 18 में 6 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 24। इनका रिलेशन 24 से बना, पहला ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, 152 का रिलेशन 38 से है, 152 का रिलेशन 38 से है। तो देखिए, जब 152 का रिलेशन आपको 38 से दिया गया, तो इसमें हो क्या रहा है उस चीज़ को पहले समझिए। आपको क्या दिया गया, एक दिया गया है, पाँच दिया गया है और दो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सभी संख्याओं को आप क्या कर दीजिए स्क्वायर, एक का भी स्क्वायर, पाँच का भी स्क्वायर, दो का भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करूँगा एक ही रहेगा, पाँच का स्क्वायर करूँगा 25 हो जाएगा, दो का स्क्वायर करूँगा 4। अगर मैं इन सबको जोड़ूँ 25, 4, 29 में एक जोड़ूंगा 30 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 38 चाहिए। 38 के लिए क्या करें, ये जो संख्या है इनको आपस में एक बार जोड़ दें, एक और पाँच 6, 6 और दो कितना हो जाएगा 8, तो मैं 30 में 8 जोड़ूंगा, 38 मिल जाएगा। एक बार तो सभी संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ लिया, एक बार बिना स्क्वायर के जोड़ लिया। वही यहाँ पर कीजिए, सभी का स्क्वायर किया था, यहाँ पर भी सभी का स्क्वायर कीजिए, 2 है, 1 है, 5 है। अगर मैं सभी का स्क्वायर करूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, सबको मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर 25, 4, 29 और 1, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। फिर एक बार इन्हें वापस जोड़ूँ, 5 और 1, 6 और 2 कितना 8, इसमें मैं क्या करूँगा 8 जोड़ दूँगा, ये कितना हो जाएगा 38। 38 किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में, तो यहाँ भी 38 आया था, यहाँ भी 38 आ गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। लॉजिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।